हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से तहे दिल से शुक्रिया। तो फाइनली गाइस, आज हमारा खेत का काम कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि तो हमने जो गेहूँ भी निकाले थे, तो कल तो हमें हमारा रमज़ान था और रमज़ान तो हमारा आज भी है, तो कल हमने खाली गेहूँ पहुँचाए थे। आज जो हम सुबह मोरने से लगे हुए थे, तो आज हमने जो भूसूद निकलता है गेहूँ का, वो हमने घर पहुँचा दिया है। तो दोस्तों, सुबह से मेहनत में लगे हुए थे। और दोस्तों, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? और अब जो है हमारा व्लॉग है आगे के लिए, वो आप देखते रहिए। और आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत हमें ज़रूरत है। अब जो हमारा ये खेत है, अब आप हम इसको जुतवाएंगे और इसमें देखो जो आने वाली फसल है उसको तैयार करेंगे। क्योंकि यार किसान का काम सच में यार बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है। किसान रियल में बहुत मेहनत करता है। हम तो जब लोग करते हैं जब पता चलती है, क्योंकि हम बस साल में हमारा एक बार मौका मिलता है। बस हमें तो बस सिर्फ गेहूँ काटने का और भूस ढोने का, बाकी तो हमारी जो फैमिली है वो हमें काम नहीं करने देती है। तो हमारे फैमिली जो लोग करते हैं घर में, उनका बहुत शुक्रिया यार। बहुत मेहनत का काम होता है यार, सच में रियल में जो किसान का काम होता है बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है। किसान के दिल से पूछो कैसे फसल को तैयार करता है, फिर काटता है और फिर उसको घर पहुंचाता है, फिर उसके बाद में जो पैसा है जब मिलता है, कितना मेहनत का काम होता है। तो यार दोस्तों, यार किसान को भी आप लोग सपोर्ट किया करो, क्योंकि किसान का रियल में बहुत मेहनत का काम होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो में और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला ब्लॉग, आने वाली वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो वीडियो में आपने इतना मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू, धन्यवाद।